बस्ती जिले के पचपेड़िया में स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान राजन इंटरनेशनल एकेडमी में गणतंत्र दिवस का पर्व उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। मुख्य अतिथि खलीलाबाद संत कबीर नगर के पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे ने ध्वजारोहण करने के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे संघर्ष बलिदान के बाद देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश ने लिखित संविधान अंगीकार किया। 75वां गणतंत्र देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश कई मोर्चों पर प्रगति की ओर है। अमर सेनानियों के संकल्पों को पूरा करना हम सबका दायित्व है। इसके बाद मुख्य अतिथि कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे और प्रिंसिपल सोनू एंटोनी द्वारा माँ सरस्वती और शिक्षा जगत के मालवीय कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर प्रसन्नचित हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जय चौबे ने छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे ने छात्रों को गणतंत्र के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय गणतंत्र की विकास यात्रा चुनौतियों के बीच निरंतर जारी है। अकेडमी के प्रिंसिपल सानू एंटनी ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए 26 जनवरी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन बीएड विभाग अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने किया। इस दौरान पुनीता त्रिपाठी, शिक्षा प्रमिला, रेखा श्रीवास्तव, प्रभा त्रिपाठी, निशुपाध्याय, अर्चना पटेल, श्वेता त्रिपाठी, गोपाल सिंह, किरण सेबस्टन, अर्चना द्विवेदी, सुमन दुबे, आकृति पांडे, पूनम, शालिनी, संगीता जैरीन, मनीषा गुप्ता, अभिषेक पटेल, माया सिंह, माया शुक्ला, श्रद्धा आकृति साहू, वेदिका सिमरन, देविका, सुष्मिता मन्ना, संजय नलिन, पूजा तमांग, वैभव पांडे, अमित मिश्रा, मनीषा गुप्ता, शिवांश उपाध्याय, सौरभ पांडे, जीत यदुवंश, मनीष मिश्रा, रामस्वरूप यादव, अखिलेश मोहम्मद, अजीम, अरुण बहादुर श्रीवास्तव, राम निरंजन गुप्ता आदि रहे।